खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के पलवल नोएडा हाईवे पर ओवरलोडिंग वाहनों पर जिला परिवहन विभाग द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रैक्टरों की आवश्यकता होती है। व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से वाहनों से ओवरलोडिंग माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, जिसकी वजह से राह चलते छोटे वाहनों दुर्घटना का शिकार होते हुए भी देखे गए हैं। कि अलीगढ़ के पलवल नोएडा स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग को शिकायतें मिल रही थी। उन्हीं शिकायत का संज्ञान लेते हुए आज परिवहन विभाग की टीम ने पलवल से नोएडा जीरो कट तक ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई की, जिनमें ट्रैक्टर में ओवरलोडिंग भरी ईंटों की ट्रॉली पर भी जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि लगातार जिले में ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है और वाहनों को सीज किया जा रहा है। सर, कितने वाहन सीज किए गए और क्यों से ओवरलोडिंग किए गए? आज सुबह जो है, मैंने पहले टप्पल में ही छापा मारा था, तो एक गाड़ी सुबह मिली और आज शाम में फिर दो गाड़ियां मिली ओवरलोड। दरअसल ये यहां से लगातार शिकायत हो रही है कि ट्रैक्टर और जो भी ट्रक हैं वो ओवरलोड चल रहे हैं, तो उसी शिकायत का जो है सॉल्यूशन खोजने के लिए हमने और हमारे स्टाफ ने जो है छापा मारा और दो गाड़ियां उन्होंने बरामद की और भी मैं अभी देख रहा हूं, तो अगर और मिलेंगे तो उन पर भी ओवरलोड के विरुद्ध कार्रवाई। अच्छा सर, ये जो लोरी हैं, जो ट्रक हैं, जिनके अगर कागजात भी देखे जाएं तो समाप्त हो चुके हैं कागज इनके, फिर भी इनको रोड पर चलने की परमिशन नहीं, कैसे दी गई? कागज इनके ठीक हैं अभी फिलहाल तो नहीं। सर, ये मॉडल है सर, क्या ये डीजल गाड़ियाँ कितने दिन तक चलती हैं? ये NCR में 10 साल के लिए लागू है, बट उसके NCR के बाहर ये चल सकते हैं। सर, कितने साल चल सकती हैं लगभग? नहीं नहीं, उसके लिए जो है थोड़ा मुझे भी बहुत क्लियर नहीं है, मैं कंफर्म करके आपको बता सकता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।